हेलो स्टूडेंट, सितारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार हैं? तो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के मामले में किया जाए तो जापान, रूस, भारत, अमेरिका। इसका उत्तर हो जाएगा रूस। अगला सवाल है, संघवाद विकास की प्रक्रिया संबंधित है। संघवाद विकास की जो प्रक्रिया संबंधित है वो उच्च वर्ग निम्न वर्ग यानी सभी से होगा, उच्च वर्ग निम्न वर्ग दोनों से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015 में। अगला सवाल है, किस क्षेत्र को तीर्थक क्षेत्र कहते हैं? तो तीर्थक क्षेत्र है जो सेवा क्षेत्र को कहते हैं। अगला सवाल है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है, आर्थिक समृद्धि का जो संबंध है वो दीर्घकाल से है। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण का विकास आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1983 में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं। अगला सवाल है, डेबिट कार्ड संबंधित है, डेबिट कार्ड जो कौन संबंधित है वो एटीएम प्रणाली से है, एटीएम कार्ड से। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो उत्तर हो जाएगा भूमिगत जल। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये सही उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। अगला सवाल है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। अगला सवाल है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2007 से 2012। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा शास्त्री कुजनेट ने। अगला सवाल है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र जो है उद्योग को कहा जाता है। अगला सवाल है, मानव विकास की दृष्टि में भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। अगला सवाल है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला सवाल है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि आते हैं, इसके साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन भी आते हैं, ये सभी ग्रामीण जीवन पर आधारित होते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, इसके खनिजों को निकाला जाता है और उसमें उद्योग वस्तु को बनाया जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यापार, नौकरी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या संरचना जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय की प्राप्ति होती है और उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं, जैसे व्यापार, उद्योग, चिकित्सा इत्यादि। अगला सवाल है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, इसका उपयोग उस निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका का अर्थव्यवस्था। अगला सवाल, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था भी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था पूंजीवाद तथा समाजवादी
अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। हम यह कह सकते हैं कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता। अगला सवाल है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है? अगला सवाल है, निजी आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है, आर्थिक नियोजन एक प्रक्रिया जिसमें आर्थिक विकास के निर्धारित उद्देश्य को एक निश्चित समय में प्राप्त करने की इच्छा होती है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य राष्ट्र का विकास दर बढ़ाना, कृषि उद्योग का आधुनिकीकरण करना, सामाजिक न्याय आदि है। अगला सवाल है, बिहार राज्य के पिछड़ेपन के किन चार मुख्य कारणों को लेकर? बिहार का जो पिछड़ेपन का मुख्य कारण है, पहला कारण है अशिक्षित, यानी पढ़ाई शिक्षा का बहुत ही कम अभाव, जनसंख्या में वृद्धि होना, तकनीक का अभाव, पूंजी एवं आधार संरचना का अभाव। अगला सवाल है, नरेगा का पूर्ण रूप लिखें। नरेगा जो है इसका पूर्ण रूप, इसका विस्तारित रूप होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेटरी एक्ट, इसके तहत शुरू की गई थी। यह संक्षेप में इस नरेगा कहा जाता है। थैंक यू।